भिन्न की, तो भिन्न की परिभाषा सबसे पहले जानेंगे भिन्न होता क्या है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर हिस्सों में बांटने पर उनके किसी भाग को बताती है। और जब हम भिन्न लिखते हैं तो ऊपर एक संख्या होती है और एक नीचे होती है, तो भिन्न के दो भाग होते हैं। अंश भिन्न में ऊपर लिखा जाने वाला भाग अंश कहलाता है, जो किसी भी भाग की संख्या बताता है कि बराबर भाग करने के बाद हमने उसका कितना हिस्सा लिया। और हर भिन्न में नीचे लिखे जाने वाला भाग हर कहलाता है, जो यह बताता है कि वह वस्तु या समूह कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों को अंश और हर समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसे एक मेरे पास ये पेपर है, ये पूरा हमारा एक पेपर है, ठीक है। इसको अगर हम फोल्ड कर देंगे, तो इसको अगर हमने दो बराबर हिस्सों में फोल्ड किया, ये एक पेपर है, इसको जब हम दो बराबर हिस्सों में फोल्ड करेंगे तो इसको हम कहेंगे एक बटा दो, यानी हमने एक हिस्सा लिया दो हिस्सों में से, यानी एक। तो हमारा अंश क्या हो गया, अंश हो गया एक और हिस्से कितने थे दो, तो ये हमारा हो गया एक बटा दो। इसी तरह से एक पेपर के अगर हमने तीन हिस्से करें, तो हमने कितने हिस्से करे एक चीज के, तीन, तो हर हमारा हो गया तीन और इसमें से तीन हिस्सों में से हमने कितना हिस्सा लिया एक, तो इसको हम कहेंगे एक बटा तीन। इसी तरह से अगर हमने एक मेज के चार हिस्से करे बराबर, तो इसमें से अगर हम एक हिस्सा लेते हैं तो उसको हम कहेंगे एक बटा चार। एक बता रहा है कि हमने कितना हिस्सा लिया चार में से, और चार बता रहा है कि हमने यहाँ के इसके कितने हिस्से करे, यानी जब हमने एक हिस्से चार हिस्से करे तो हर हिस्सा हो गया चार, और चार हिस्सों में से हमने एक हिस्सा कलर कराया तो ये होगा एक बटा चार। इसी तरह से अगर हम किसी चीज के छह बराबर हिस्से करते हैं, तो एक हिस्से को हम कहते हैं एक बटा छह, और अगर किसी चीज के हमने आठ बराबर हिस्से करें तो एक हिस्से को हम कहेंगे एक बटा आठ। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आंसर और आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मिश्र भिन्न, विषम भिन्न और सम भिन्न के बारे में।